तो अभी तक हमने कुछ थ्योरी के पोर्शन कंप्लीट किया, थोड़े से प्रैक्टिकल्स पे आए, और हमने इंटीजर वैल्यूज के साथ थोड़ा काम किया, फ्लोटिंग वैल्यूज के साथ थोड़ा काम किया। ठीक है, हम एक डिफरेंट, एक नए टाइप के साथ, या हमने इससे पहले जो पढ़ा है इस बारे में, कैरेक्टर टाइप। तो कैरेक्टर टाइप देखते हैं कि कैरेक्टर टाइप कैसे यूज करते हैं, स्कैन कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर के लिए हम, हमारे पास जो कीवर्ड है वो कैर है। सपोज कैर कैर, और फिर एक वेरिएबल बनाते हैं हम कैर का, सपोज सी। ठीक है, सी इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। जैसे हमने वेरिएबल नेम्स के रूल्स पढ़े, कैसे वो कौन कौन से रूल्स है, तो ये वैलिड है। ठीक है, इट्स वैलिड, हम ये यूज कर सकते हैं। ओके, सो अगर इसको स्कैन करना हो, सपोज इसको प्रिंट करना हो, पहले हम प्रिंट करते हैं कि एक, कैरेक्टर ठीक है, एक मैसेज देते हैं हम, फिर हम स्कैन ऐप जैसे हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पर्सन सी। ठीक है, कैरेक्टर के लिए है पर्सन सी, जैसे वेरिएबल इंटीजर के लिए पर्सन डी, फ्लोट के लिए पर्सन एफ, कैरेक्टर के लिए है पर्सन सी। एंड देन वी कैन यूज एंड ऑफ, इसका जो है यहाँ पे मैंने इसका नाम सी रखा। ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने सी रखा, कोई भी वैलिड एक वेरिएबल नाम रख सकते हैं। ठीक है, देन वी कैन प्रिंट इट, कैरेक्टर इंटर इज, हम प्रिंट कर सकते हैं। तो क्या कैरेक्टर इंटर किया है इसने, परसेंट सी करके कॉमा सी। ठीक है, जैसे हम बाकी में करते थे इंटीजर या फ्लोट में करते हैं, वैसे वैसे इसमें भी है। अब इसमें जो परसेंट सी यूज होता है, ठीक है, परसेंट सी का मतलब कैरेक्टर। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हमें मैसेज एक दे रहा है, क्योंकि हमने मैसेज एक प्रिंट की थी पहले, इंटर है कैरेक्टर। हम एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, सपोज डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हमने किया, फिर इंटर, तो ये हमें बोल रहा है कैरेक्टर इंटर इज डब्ल्यू। ठीक है, तो इसने एक कैरेक्टर जो है हमें वो दे दिया कि आपने ये कैरेक्टर इंटर किया था। ठीक है, याद रखिए कैरेक्टर से हम एक से ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे हम इसको कंपाइल रन करते हैं, फिर ये बोल रहा है हमें इंटर कैरेक्टर, मैं दूंगा डब्ल्यू एल सी और एम ई वेलकम। ठीक है, अब जो मैंने इंटर किया, इसने मुझे बोला इंटर कैरेक्टर इंटर इज डब्ल्यू, ये मुझे पहला ही दे रहा है। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर जो है वो एक ही कैरेक्टर लेता है। सपोज मैं एक और करता हूं, मैं करता हूँ सम। ठीक है, तो मैं इंटर करूंगा तो ये मुझे बोलेगा कैरेक्टर इंटर इज एस, तो एस ओ एम ई जो इसने इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो एक ही कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है। एक ही कैरेक्टर मतलब ए टू जी, या हम कैरेक्टर को वन भी रख सकते हैं, यहाँ पे वन इज ऑल्सो कैरेक्टर। वो कैसे कैरेक्टर है हम बाद में समझेंगे, या एक स्पेशल कैरेक्टर। सपोज मैं दूंगा यहाँ पे डबल कोट्स, डबल कोट्स में देता हूँ इंटर, तो इसने डबल कोट ले लिया। ठीक है, तो इसने वो डबल कोट आपने इंटर किया है, तो क्योंकि ये डबल कोट एक ही कैरेक्टर माना जाता है। ठीक है, ये डबल कोट एक ही कैरेक्टर है, ये डबल कोट एक ही कैरेक्टर है, तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी ये लेगा, लेकिन उनको वैल्यू थोड़े डिफरेंट दिखाएगा। जैसे एक और ऑप्शन है यहाँ पे, अगर मैं इसको स्पेस एक दे दूं, मैंने एक स्पेस इंटर की। ठीक है, फिर मैं इंटर करता हूँ, ये मुझे दिखा रहा है कैरेक्टर इंटर्ड इज, कुछ दिखा नहीं रहा है एक्चुअली, ये यहाँ पे दिखा रहा है स्पेस, क्योंकि मैंने एक स्पेस एंटर की। ठीक है, तो स्पेस एक भी एक्चुअली कैरेक्टर ही है, वो एक स्पेशल कैरेक्टर से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, थोड़ा सा हम एक हट
जाते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक्स, टॉपिक यही है, इसमें थोड़ी सी ट्वीक्स हैं। क्या ट्वीक्स हैं वो मैं आपको दिखा दूं कि कैसे हम असल में कैरेक्टर्स को थोड़ा सा निखारते हैं। मैं एक इंटीजर लेता हूं, सपोज इंटीजर एक्स, ठीक है। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं प्रिंट, मैं एक मैसेज प्रिंट करूंगा, इंटर एन नंबर बिटवीन 0 to 127, 0 से लेके 127 तक कोई नंबर एंटर करो, ठीक है। अब मैं स्कैन एफ करूंगा, ऑब्वियसली परसेंट डी क्योंकि ये इंटीजर है, एंड ऑफ एक्स, ठीक है। इसने हम एक वैल्यू एक लेंगे, सिंपल सा एक वैल्यू, 0 से लेके 127 तक वैल्यू एक, ठीक है। अब उस वैल्यू का हमें क्या करना है, अब देखो मैं प्रिंट एफ करूंगा, मैं लिखूंगा वैल्यू एंटर्ड इज, अब यहाँ पे ध्यान रखना है परसेंट सी, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे परसेंट सी कॉमा एक्स, अब ये ध्यान में रखना। मैंने इंटीजर एक्स जो है इंटीजर ले लिया है, ठीक है, इंटीजर ले लिया है, और मैं प्रिंट एफ बोल रहा हूँ उसके 0 to 127, 0 से 127 तक कोई भी एक नंबर आप एंटर करो, ठीक है। जब 0 से 127 तक कोई भी एक नंबर हम एंटर करेंगे, फिर हम यहाँ पे एक ऑप्शन आती है स्कैन एफ करो आप, ठीक है, स्कैन एफ करो ये नंबर एंड ऑफ एक्स, हम इस नंबर को स्कैन करेंगे यानी स्टोर करेंगे, ठीक है। जब स्टोर कर रहे हैं फिर हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, असल में हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू इंटर्ड इज, ठीक है, ये वैल्यू इंटर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मैं परसेंट डी नहीं दे रहा हूं इसका, मैं इसका परसेंट सी ले रहा हूं। अब ये क्या माना हुआ, हम पहले इसको रन करेंगे, मैं इस चीज को समझाऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। अब इंटर अ नंबर बिटवीन 0 and 127, सपोज आई विल गिव अ वैल्यू 96, ठीक है, फिर एंटर, तो ये मुझे बोल रहा है वैल्यू इंटर्ड इज समथिंग, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कैरेक्टर एक आया सिंगल कोट एक, ठीक है। अब मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ, इंटर अ वैल्यू बिटवीन 0 to 1, सपोज मैं दूंगा 66, अब यहाँ पे इंटर्ड वैल्यू इज बी, हालांकि मैंने बी नहीं किया था, मैंने 66 दिया था। आई विल शो यू सम मोर एग्जांपल्स, इंटर वैल्यू सपोज 106 या 109, ठीक है, तो इंटर्ड वैल्यू इज एम, ऐसे ही मैं इसको रन करता हूं, मैं देता हूं इसको इंटरवल में 70 देता हूं, ठीक है। तो ये मुझे बोल रहा है कि आपने वैल्यू जो है इंटर किया था वो एफ किया था, हालांकि मैंने 70 किया था, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे जो है 1 to 27 जो हम देंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम कुछ दे रहे हैं, सपोज एक और रन करते हैं, हम इसको देते हैं वैल्यू 30, तो 30 आया, तो इसने यहाँ पे पता नहीं कुछ, हाँ ये क्वेश्चन मार्क इसने दिखाया, क्वेश्चन मार्क एक, क्योंकि ये एक ऐसा करेक्टर जो ये खुद से प्रिंट नहीं कर पा रहा है, तो एक दिखा रहा है लेकिन कोई, लेकिन 30 नहीं दिखा रहा, ये कुछ और ही दिखा रहा है, ठीक है। ये कुछ और क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैं यहां से वैल्यू दे रहा हूं, ले रहा हूं इंटीजर में, लेकिन प्रिंट इसको कर रहा हूं कैरेक्टर में, ये क्या चीज है, मैं कैसे इंटीजर को कैरेक्टर में प्रिंट कर रहा हूं। अब एक और चीज, अगर मैं इसको अब 127 से एक्स्ट्रा दे दूं, सपोज मैं दे रहा हूं इसको 200, तो ये कुछ पता नहीं कुछ और दिखा रहा है यहां से, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ और ये क्या चीज है, ठीक है, और ये क्या कंसेप्ट है, इट्स अ कंसेप्ट कॉल्ड एज ASCII values, American Standard Code for Information Interchange, American Standard Code for Information Interchange। ये आप fundamentals में भी जानोगे और digital electronics में जानोगे, ये असल में यहाँ पर हम codes पे ज्यादा discuss नहीं करेंगे। ये एक तरीका है क्योंकि हमारे जो computer system है, हमारे जो devices है electronics, वो electronic devices है और वो binary समझते हैं, ठीक है, वो एक नहीं समझते, अल्फाबेट्स नहीं समझते, तो अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नंबर एक हमने रखा है जो हमारे अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है,
और वो नंबर कौन डिफाइन करेगा, वो एक स्टैंडर्ड कमिटी है हमारे पास, ठीक है, ANSI जो हमारे होता है, यानी एक स्टैंडर्ड कम्युनिटी है जो स्टैंडर्ड्स देती है। तो उसने बताया है, सपोज एक बताया कि 65 इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए, ठीक है, ऐसे ही 66 इज इक्वल टू कैपिटल बी, सो एंड सो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर असल में ये क्यों बोला 0 to 127, क्योंकि 0 to 127 में इनने एस की वैल्यू दे दिए हैं, यानी नंबर जो जो नंबर्स है इनका असल में वैल्यू दे दिया है कुछ कैरेक्टर्स को, जैसे ये एट स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, या कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, और हमारे जो बाकी है कोट्स है, सिंगल कोट, डबल कोट, बैक स्लैश वगैरह, स्पेस बार, ये जो कैरेक्टर्स हैं इन सबको एक वैल्यू दे दिया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो कंप्यूटर है वो ए स्टोर नहीं जानता है, ठीक है, वो नंबर जानता है, असल में जीरोज और वन्स जानता है। तो जीरोज और वन्स को हम अगर डिसिमल में क्रिएट करें, इंटरचेंज करें, तो इन्होंने 0 to 127 कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को दिया है, या उनको हम एट द एंड में उनको हम एस की वैल्यूज बोलते हैं। तो एस की वैल्यू हमारे पास होता है जब भी हम कोई कैरेक्टर असल में एंटर करते हैं, तो वो कैरेक्टर असल में स्टोर नहीं होता है, उस कैरेक्टर का एस की वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर इंटीजर ले लिया 0 to 127 और उसको प्रिंट किया एज कैरेक्टर। जब मैंने उसको प्रिंट किया एज कैरेक्टर, तो इसने एक्चुअली इसका एस की वैल्यू को चेंज किया कैरेक्टर में। जैसे मैं दे रहा हूँ, सपोज मैं दे रहा हूँ 80, तो मैं 80 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स हमें कैपिटल पी, तो 80 जो है हमें असल में कैपिटल पी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये 80 पी का जो हमारे पास एस की वैल्यू है वो है 80, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी हम समझ सकते हैं, मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ट्वीक करूंगा, चेंज इट अ लिटिल बिट। सपोज मैं यहाँ पर रखता हूँ कैर एक्स, ठीक है, और यहाँ पर परसेंट सी, लेकिन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इसका परसेंट डी, ठीक है। मैंने इसको चेंज किया, अब मैं कैरेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसको फिर नंबर में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट और रन अगर करूं, एक कैरेक्टर ले रहा हूं, सपोज मैंने एक कैरेक्टर ले लिया, ये कैपिटल पी हम लेते हैं, ठीक है। तो इसने अभी देखो, अब इसने इसका वैल्यू दिखाया 80, हमने अभी 80 का देखा था कि कैरेक्टर उसका है, उसका जो वैल्यू है वो पी है में आया, हमने 80 दिया था वो पी आया, अब हमने पी दे दिया तो उसका जो है एस की वैल्यू हमें मिला, ठीक है। तो इंटरचेंजेबल है, हम कैरेक्टर को एस की वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक हमारे जो है बेसिक्स हमारे कैरेक्टर्स है वो 0 to 127 इनके दरमियान हमारे पास सभी आते हैं, ठीक है। इसमें जो है 65 से हमें कैपिटल ये जो है हमारे पास आ जाते हैं, व्हाट कॉल्ड एज कैपिटल अल्फाबेट्स, ठीक है। फिर हम जो है स्मॉल ए जो है 1 0 97 से आता है, 97 से आगे जो है स्मॉल अल्फाबेट्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो था बेसिक्स अबाउट कैरेक्टर्स एंड एस की वैल्यूज, कि कैसे हम कैरेक्टर्स देते हैं और कैसे हमारे पास एस की वैल्यूज होते हैं।